हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल श्वेता सिंह पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने एथलेटिक्स को कवर किया था, आज की वीडियो में हम फर्स्ट एशियन गेम्स को कवर करेंगे। इसमें हम फर्स्ट एशियन गेम्स कब हुआ, कहाँ हुआ, भारत का क्या स्थान रहा, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल हर्षवेता सिंह को अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, सब्सक्राइब के बाद बगल की घंटी ज़रूर बजाएँ ताकि मेरे जितने भी नए वीडियो हैं आपको मिल सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम एशियन गेम्स के बारे में जानते हैं कि यह है क्या। एशियाई खेल, सबसे पहले हम देखते हैं कि एशियाई खेल का प्रथम आयोजन 4 मार्च 1951 में हुआ। 4 मार्च 1951। नेक्स्ट है, एशियाई खेल का प्रथम आयोजन 4 मार्च से 11 मार्च 1951 तक हुआ। 4 मार्च से 11 मार्च तक। नेक्स्ट है, एशियाई खेल का प्रथम आयोजन नई दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में हुआ। नई दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में। नेक्स्ट है, भारत को एशियाई खेल का जनक कहा जाता है। ठीक है, भारत को एशियाई खेल का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रेरणा तथा प्रोफेसर गुरुदत्त सोंधी के प्रयासों से इन खेलों का जन्म हुआ। ठीक, नेक्स्ट है, एशियाई खेल का नामकरण पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ठीक, एशियाई खेलों का नामकरण पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। नेक्स्ट है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस समय खिलाड़ियों को एक खेल संदेश दिया, खेल को खेल की भावना से खेलो। इसके बाद हम देखते हैं कि एशियाई खेल से एशियाई महाद्वीप में आपसी भाईचारा, सहयोग तथा खेल संस्कृति को बढ़ावा मिला। ठीक है, एशियाई खेल से एशियाई महाद्वीप में आपसी भाईचारा, सहयोग तथा खेल संस्कृति को बढ़ावा मिला। नेक्स्ट है, प्रथम एशियाई खेल का उद्घाटन भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ध्यानचंद्र स्टेडियम में किया। ठीक, नेक्स्ट है, प्रथम एशियाई खेल में 11 देशों ने भाग लिया। ठीक है, 11 देशों ने इसमें भाग लिया था। नेक्स्ट है, वो ये देश हैं अफगानिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, इंडोनेशिया, ईरान, जापान, मलेशिया, फिलीपीन, थाईलैंड, नेपाल तथा भारत। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रथम एशियाई खेल में 57 स्पर्धाओं में 489 एथलीट ने भाग लिया। ठीक, नेक्स्ट है, थाईलैंड ने सबसे ज़्यादा 4 बार एशियाई खेल की मेज़बानी की। ठीक है, सबसे ज़्यादा 4 बार एशियाई खेलों की मेज़बानी थाईलैंड ने की। नेक्स्ट है, प्रथम एशियाई खेल का शुभंकर जंतर मंतर था। ठीक है, जंतर मंतर। नेक्स्ट है, इन खेलों का उद्देश्य वाक्य है हमेशा आगे की ओर। इसके बाद हम देखते हैं कि एशियाई खेलों का आयोजन हर 4 साल बाद होता है। ठीक है, एशियाई खेलों का आयोजन हर 4 साल बाद होता है। नेक्स्ट है, भारत उन 7 देशों में शामिल है जिन्होंने एशियाई खेलों के सभी संस्करणों में हिस्सा लिया। ठीक, भारत उन 7 देशों में शामिल है जिन्होंने एशियाई खेलों के सभी संस्करणों में हिस्सा लिया। नेक्स्ट है, सचिन नाग गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी थे। ठीक, सचिन नाग गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी थे। नेक्स्ट है, सचिन नाग ने 100 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी में गोल्ड मेडल जीता था। ठीक, सचिन नाग ने 100 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी में गोल्ड मेडल जीता था। नेक्स्ट है, कमलजीत संधू गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी थीं। ठीक है, कमलजीत संधू गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी थीं। नेक्स्ट है, 1951 में भारत ने सबसे अधिक 15 गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, 1951 में भारत ने सबसे अधिक 15 गोल्ड मेडल जीता था। नेक्स्ट है, जापान 24 गोल्ड, भारत 15 गोल्ड तथा ईरान 8 गोल्ड प्राप्त करके क्रमशः प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पर रहा। ठीक है, नेक्स्ट है, 1951 के बाद 1982 में भारत ने एशियाई खेल की मेज़बानी की। ठीक, नेक्स्ट है, 1982 एशियाई खेल का आयोजन जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में हुआ। ठीक है, 1982 में एशियाई खेलों का आयोजन जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में हुआ। ठीक, नेक्स्ट है, इसके बाद हम देखते हैं कि 2010 के ग्वांगझू एशियाई खेल में भारत ने किसी एक संस्करण में सबसे अधिक कुल 65 मेडल जीता था। ठीक है, 2010 के ग्वांगझू एशियाई खेल में भारत ने किसी एक संस्करण में सबसे अधिक कुल 65 मेडल जीता था। ठीक है,
नेक्स्ट है, अब तक कुल 17 एशियाई खेलों का आयोजन हो चुका है, ठीक है, अब तक कुल 17 एशियाई खेलों का आयोजन हो चुका है। नेक्स्ट है, 2014 में 17वें एशियाई खेल का आयोजन दक्षिण कोरिया के इंचियोन नामक शहर में हुआ था, ठीक, 2014 के 17वें एशियाई खेल का आयोजन दक्षिण कोरिया के इंचियोन नामक शहर में हुआ था, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर ज़रूर कीजिए। ओके, थैंक यू।